यूपी के 75 आईपीएस अफसरों को मुख्य सचिव ने बनाया जिले का नोडल अफसर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार माफिया के खिलाफ एक्शन कर रही है। वहीं छोटा पशुओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने खास प्लान बनाया है। इसी के तहत यूपी के सभी 75 जिलों में नोडल अफसरों को तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये नोडल अधिकारी छोटा और निराश्रित गौवंश के संरक्षण और भरण पोषण से जुड़ी जानकारी लेंगे। इसके तहत आश्रित पशुओं को मिलने वाले चारा भूसा और इलाज का डेटा तैयार करेंगे। आपको बता दें कि इसकी रिपोर्ट जिले के पशुपालन विभाग की होगी। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट को ईमेल के साथ ही हार्ड कॉपी के जरिए भेजा जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जिन 75 अधिकारियों को नोडल अफसर नामित किया है, मुख्य सचिव द्वारा नियुक्त नोडल अफसर 5 से 7 अप्रैल तक मिली जिम्मेदारी के मुताबिक संबंधित जिले का दौरा करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को निराश्रित गौवंश प्रबंधन को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी, उसके बाद नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक सभी 75 जिलों के नोडल अफसर अपने अपने जिले के गौवंश प्रबंधन को जांचने के लिए गौशाला का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इस दौरान बकायदा आंकड़ों का मिलान भी किया जाएगा। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान गौशाला में गौवंशों की सुपुर्दगी की संख्या और वास्तविक संख्या का मिलान भी किया जाएगा। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि गौवंशों के लिए चारा पानी और उन्हें इलाज की व्यवस्था है या नहीं। जाँच में तैयारी न मिलने पर रिपोर्ट में जिक्र करना होगा, बताना होगा कि तैयारी संतोषजनक है या नहीं, इसकी भी रिपोर्ट में जिक्र करना होगा। इतना ही नहीं, गांव या शहर में भ्रमण और स्थलीय निरीक्षण के दौरान कोई छोटा पशु सड़क अथवा खेत में घूमते मिले तो उसका कारण भी बताना होगा।